करीब एक दर्जन सुपर हीरोज को अपनी एक चुटकी से धूल में मिला देने वाले थैनोस को चुनौती देने के लिए कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, थॉर, हल्क और हॉकाई जैसे सितारे एक साथ आने वाले हैं। मार्वल के फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन है। एवेंजर्स सीरीज की सबसे चर्चित फिल्म में इन्फिनिटी वॉर के साथ जिस कहानी की शुरुआत हुई थी, वो कहानी अब इस फिल्म के दूसरे भाग के साथ अपने अंजाम में पहुंचने वाली है। फिल्म के दूसरे भाग एंड गेम का ट्रेलर जारी कर दिया गया। पिछली फिल्म में थैनोस के हाथों हारे सभी एवेंजर्स अब इस फिल्म में एकजुट होने की कोशिश करेंगे। करीब एक दर्जन सुपर हीरोज को अपनी एक चुटकी भर से धूल में मिला देने वाला थैनोस जो है चुनौती देने के लिए कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, थॉर, हल्क, हॉकाई और इसके साथ ही कई अन्य सितारे भी आने वाले हैं, जैसे कि एंटमैन इस बार महत्वपूर्ण किरदार के अंदर है क्योंकि पिछली बार वो मौजूद नहीं थे। तो वही एक सुपर हीरो हैं जो कणों में बदल चुके थे और अब वो वापस इंसान का रूप लेकर वापस आने वाले हैं। जहाँ दोस्तों आपने पिछली बार देखा होगा कि एंटमैन क्वांटम रेलम में फंस गए थे, जो कि एंटमैन एंड वॉस्प में आपने देखा था। वही फिल्म के अंदर आयरन मैन भी एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले हैं। हालांकि वो एक स्पेसशिप में फंसे हैं और धरती पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर फिल्म का जो पहला ट्रेलर है वो सारी बातें फैंस के साथ अनुमान में बदल रहा है। जहाँ दोस्तों हालांकि पिछले फिल्म के अंत में कैप्टन मार्वल का जिक्र आया था और इस सुपर हीरोइन पर एक फिल्म भी आ रही है, कैप्टन मार्वल इस फिल्म में क्या भूमिका निभाएगी ये तो अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन एवेंजर्स फैन ने इस फिल्म के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया है। जहां दोस्तों कैप्टन मार्वल का क्या रोल रहने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार थैनोस को कौन मारता है, क्या वो वापस से थॉर होने वाले हैं या फिर कैप्टन मार्वल। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, देखो देखो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलती है सबसे पहले।